में जो भट्टा मालकान है उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है ईंटों का कि आपने कौन सी ईंट लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। अगर ईंटों का रेट अगर आप इस्लामाबाद लाहौर दूसरे बड़े शहरों में दे तो देख रहे हैं डाई वाली ईंट इस पे लिखा हुआ है 11। ये आप दोनों ईंटों का फर्क देखें, इसकी इसकी मोर क्वालिटी की ईंट है, इसको कहते हैं दोम क्वालिटी की। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दोस्तों हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी ईंट की सप्लाई आई थी तो हमने कहा कि आपको इस हवाले से हम आगाह करें, खासतौर पर ईंटों का क्या रेट चल रहा है। आपको सरिया सीमेंट दूसरी चीज़ों के हवाले से आगाह करते रहते हैं जिसके रेट में बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन अब ईंट के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है क्योंकि हर जानिब से पाकिस्तान में जो भट्टा मालकान है उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जुलाई में हम ईंट बनाना बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि हमें वारे में नहीं आ रहा। क्योंकि भट्टे में भी अगर सूरत हाल देखें, ट्रैक्टर में ट्रैक्टर ट्रालियाँ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, सप्लाई सबसे बड़ा इशू होता है, लेबर सबसे बड़ा इशू होता है। लेबर जो है वो पैसे ज़्यादा मांग रही है, सप्लाई के लिए डीजल डलता है ट्रैक्टर ट्रालियों में। अब उसकी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। 55 रुपये रेट बढ़ना था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हर चीज जिसको कहते हैं महंगी होती जा रही है। आपको ईंटों के हवाले से तमाम तफसीलात देंगे, आपको फर्क बताएंगे ईंटों का कि आपने कौन सी ईंट लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। अगर सबसे पहले मैं आपको ईंटों के रेट के हवाले से बता चलूं, ईंटों का रेट अगर आप इस्लामाबाद लाहौर दूसरे बड़े शहरों में दे तो वहां पर 13 से 15 रुपये में आपको अच्छी अव्वल क्वालिटी की जो ईंट थी वो 1.5-2 महीने पहले तक मिल जाती थी, बहुत बआसानी मिल जाती थी आपको 14,000 रुपये की 1,000 ईंट, 13,500 रुपये की 15,000 रुपये की। लेकिन अब वहाँ की जो सूरत हाल है इस वक्त, इस्लामाबाद लाहौर और दीगर बड़े शहरों में ईंट का जो रेट चल रहा है वो 17 रुपये की एक ईंट हो गई है। तकरीबन 2 रुपये का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि इसको 20 रुपये तक लेके जाया जाएगा। यानी कि ईंट की आप सूरत हाल ये देख लें कि अगर ईंट 20 रुपये तक जाती है, 1,000 ईंट 20 रुपये की, यानी आप ये देखें कि 3,000 वाली ट्रॉली 60,000 रुपये की आएगी। जो ट्राली 35,000-30,000 रुपये में मिल रही थी उसके रेट में इतना बड़ा जंप आ रहा है कि वो डबल के करीब जाकर पहुंच रहा है। और अगर मैं बात करूं फैसलाबाद मुल्तान इस साइड की बात करूं, यहाँ 13-13.5 रुपये की अव्वल क्वालिटी की ईंट जो है वो अभी भी आपको जो है मार्केट में मिल रही है, जबकि जो दोम क्वालिटी है वो आपको 11-11.5 रुपये की मिल रही है और इस्लामाबाद में लाहौर में आपको दोम क्वालिटी की ईंट 15,000 रुपये की मिल रही है। यानी फी ईंट की कीमत में 2-2 रुपये और 2.5-2.5 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। अब हम आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताते हैं, ये आप देख रहे हैं डाई वाली ईंट, इस पे लिखा हुआ है 11, आपने देखा इसका डाई थोड़ा सा छोटा है। अब हम आपको दूसरी ईंट दिखाते हैं आरबी वाली ईंट, इसका डाई थोड़ा सा बड़ा है। ये आप दोनों ईंटों का फर्क देखें, इसकी मोटाई देखें, इसकी मोटाई देखें, आप बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। ये अव्वल क्वालिटी की ईंट है, इसको कहते हैं दोम क्वालिटी की ईंट। ये ईंट की आप कलर देखें, ये ईंट जो है वो आपके कचरे पे पकी हुई ईंट होती है, इसमें आपने इस तरह की ईंट इस्तेमाल नहीं करनी। आपको कोई कहते जी दोम क्वालिटी की ईंट है और आपको जी हम 14 रुपये की नहीं देंगे 11 रुपये की, तो आप 2 रुपये बिल्कुल भी आपने नहीं बचाने, किसी भी तौर पे आपने 2 रुपये नहीं बचाने। क्योंकि आप इसका फर्क अगर करीब से भी मैं आपको दिखाने की इसकी खनक दिखाऊं, मैं आपको इस ईंट की खनक बिल्कुल डिफरेंट है। ये पक्की ईंट है, पक्के उस पर बनी हुई है, भट्टे पे कोयले पे बनी हुई ईंट है। तो इस तरह का कुछ फर्क होता है ईंटों में, इसकी मोटाई में, इसके वजन में, इसकी चौड़ाई में, इसकी लेंथ में, तमाम की तमाम हर जगह से जो है वो इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है, आप जब भी घर की तामीर कर रहे हो आपने अव्वल क्वालिटी की अच्छी ईंट इस्तेमाल करनी है। कच्चे भट्टे की कचरे में बनी हुई ईंट जिसमें पानी रह जाता है बाद में, वो सेम की सूरत में आपके घर से निकलता है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छी ईंट, अच्छी क्वालिटी की, 2 रुपये ज्यादा भी लगे आपने वही इस्तेमाल कर लिए। सूरत हाल ये है कि सरिया सीमेंट हर चीज़ बढ़ तो रही थी लेकिन अब ईंटों की जानिब से जो एक एहतजाज की कॉल आई है, जो सूरत हाल आई है, उससे मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। आपको यही मशवरा देंगे कि अगर आपके घर की तामीर हो रही है, ईंटों का काम अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो आप कोशिश करें ईंटें अपने प्लॉट पर उतरवा लें, रखवा लें, क्योंकि सूरत हाल जिस तरह 55 रुपये डीजल में बढ़े, अभी सुनने में आ रहा है कि डीजल शायद थोड़ा सा और भी अभी बढ़ेगा जून के एंड में या जुलाई के शुरू में। तो सूरत हाल ये है कि आप इसमें, आपको हमने अपडेट कर दिया है कि अब आपका काम है कि आप किस तरह से अपनी तामीर को जारी रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।